1954 में फिल्म फेयर अवार्ड स्टार्ट हुए थे, एस्टैब्लिश हुए थे, तो वहीं पर 1954 में जिन एक्टर को सबसे पहले फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था वो थे दिलीप कुमार। जी हाँ दोस्तों, दिलीप कुमार वॉज द फर्स्ट पर्सन जिन्हें फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था। और आज तक, तब से लेकर अब तक, हर एक्टर का सपना रहा है कि उसे फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड तो जरूर मिले। तो वहीं पर ऐसे दो अभिनेता हैं जिन्हें 8-8 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल चुका है, और वो हैं दिलीप कुमार और शाहरुख खान। जहां पर इन दोनों अभिनेताओं को 8-8 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिला है बेस्ट एक्टर के लिए, तो वहीं पर कुछ ऐसे भी एक्टर्स हैं जिन्हें आज तक फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला ही नहीं। तो आज उन महान हस्तियों के बारे में मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले महान हस्ती जो है, जो कि सही में महान है, नाम सुनने के बाद आपको लगेगा हाँ भाई ये सही में महान हस्ती है, तो वो है अभिषेक बच्चन। तो अभिषेक बच्चन को उनके अभिनय से ज्यादा उनके सुपरस्टार के बेटे होने के तौर पर ज्यादा जाना जाता है। आपको बता दें कि अभिषेक बच्चन जहां अमिताभ बच्चन जी के सुपुत्र हैं, तो वहीं पर अमिताभ बच्चन जी को 5-5 बार फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल चुका है, और अभिषेक बच्चन अभी भी अपनी झोली खोले बैठे हुए हैं। तो बात कुछ ऐसी है कि अभिषेक बच्चन को ऐसा नहीं है कि फिल्म फेयर का कोई अवार्ड ही नहीं मिला, उन्हें बेस्ट एक्टर का सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला था 2005 में युवा के लिए, 2006 में सरकार राज के लिए, और 2007 में कभी अलविदा ना कहना के लिए। हालांकि कह सकते हैं कि जनाब अभी हिम्मत जुटाने में लगे हुए, मेहनत करने में लगे हुए हैं, ताकि संघर्ष कर रहे हैं कि उन्हें भी कभी ना कभी फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड मिल जाए। तो ऊपर वाले ने चाहा, जहां पर ऐश्वर्या राय मिल गई तो ये भी तो हो ही सकता है। खैर अब आते हैं नंबर चार पर है अक्षय कुमार। अक्षय कुमार आज तक 100 से ज्यादा फिल्में कर चुके हैं, लेकिन अफसोस कि उन्हें भी आज तक बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला है। हालांकि उन्हें गरम मसाला के लिए बेस्ट कॉमिक रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जरूर मिला था, लेकिन जिस तरीके से अक्षय कुमार आज के दौर में आगे बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, एक से बढ़कर एक फिल्में दे रहे हैं, साल में 4-4 फिल्में कर रहे हैं, तो हमें पूरी आशा है कि अक्षय कुमार को जरूर बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिल सकता है। अब आते हैं नंबर 3 पर। तो नंबर 3 पर है विनोद खन्ना। विनोद खन्ना एक समय में अमिताभ बच्चन के सबसे बड़े प्रतियोगी थे। आपको बता दें कि विनोद खन्ना ने अपना करियर खलनायक के तौर पर शुरू किया था, लेकिन 1971 में जो उनकी पहली फिल्म थी हम तुम और वो, उस फिल्म से उन्होंने हीरो के तौर पर अपने आप को एस्टैब्लिश करना शुरू किया, जहां पर विनोद खन्ना ने एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं, कच्चे धागे, मेरे अपने, मेरा गांव मेरा देश, द बर्निंग ट्रेन, चांदनी, गुरबानी, इनकार, इम्तिहान। इतनी बेहतरीन फिल्में देने के बावजूद उन्हें कभी बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिल सका, लेकिन उनके 40 साल के करियर के लिए उन्हें फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जरूर मिला था। अब आते हैं नंबर 2 पर। तो नंबर 2 पर है अजय देवगन। अजय देवगन आज के दौर में सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं, लेकिन फिर भी अफसोस कि उन्हें आज तक बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला है। आपको बता दें कि उन्हें भगत सिंह के लिए, जो कि 2002 में रिलीज हुई थी, और जख्म के लिए, जो कि 1998 में रिलीज हुई थी, इन दोनों फिल्मों के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था, लेकिन वो था नेशनल अवार्ड। साथ ही अगर बात करें कि उन्हें कोई फिल्म फेयर अवार्ड मिला है या फिर नहीं मिला, तो मैं आपको बता दूं कि उन्हें कंपनी के लिए, दीवानगी के लिए और भगत सिंह के लिए बेस्ट नेगेटिव रोल के लिए फिल्म फेयर अवार्ड जरूर मिला था। अब आते हैं नंबर 1 पर। तो नंबर 1 पर है आप सबके चहेते, गेस कीजिए, आप सबके चहेते हैं सही में, आप यकीन मानिए, वो है सलमान खान। तो सलमान खान को भी आज तक बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला है, इतने बड़े सुपरस्टार होने के बावजूद। कह सकते हैं कि आज के दौर में सलमान खान इस वक्त बॉलीवुड के सबसे बड़े सुपरस्टार है, लेकिन उसके बावजूद उन्हें बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला है। आपको बता दूं 9-9 बार नॉमिनेट होने के बावजूद सलमान खान को बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला है। इतनी बड़ी बड़ी बेहतरीन फिल्में दी सलमान खान ने, तेरे नाम, मुझसे शादी करोगी, हम आपके हैं कौन, हम दिल दे चुके सनम, साजन, बजरंगी भाईजान, सुल्तान, इतनी बड़ी और शानदार फिल्में देने के बावजूद भी सलमान खान को कभी बेस्ट एक्टर फिल्म फेयर अवार्ड मिल ही नहीं पाया।
कारण तो हमें नहीं पता, लेकिन हमें आशा है कि जिस तरीके से वो काम कर रहे हैं और जिस तरक्की पर सलमान खान है, तो वो एक ना एक दिन फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर अवार्ड जरूर लेंगे। आपका क्या इरादा है इस बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए बॉलीवुड स्टूडियोज। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।